AIR न्यूज में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। आज रात देर गए नांदेड़ शहर में जश्न का माहौल। नांदेड़ शहर में कांग्रेस पार्टी ने अब्दुल सत्तार अब्दुल गफूर को अपना उम्मीदवार बनाया है। जैसे ही ये खबर आम हुई, कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने फटाखड़े फोड़ आतिशबाजी कर जश्न मनाया। इस मौके पर अब्दुल सत्तार ओम प्रकाश पोकरना ने मीडिया से बात की और खुशी का इजहार किया। वाजे रहे कि गुज़िश्ता 40 साल से नांदेड़ शहर में कांग्रेस पार्टी ने पहला मुस्लिम उम्मीदवार को मैदान में उतारा है। इस बार महाविकास आघाड़ी की जानिब से नांदेड़ शुमाल से दीगर कई नाम के चर्चे थे, लेकिन कांग्रेस पार्टी की जानिब से 34 लिस्ट फ्लैश की गई। साबिक मेयर अब्दुल सत्तार का नाम भी इस लिस्ट में शामिल देखकर कार्यकर्ताओं में खुशी की लहर दौड़ गई। ब्यूरो रिपोर्ट, नांदेड़। ऊपर वाले का मैं शुक्र मानता हूँ कि भाई आज जिस तरह से विधानसभा की मेरे को जो उम्मीदवारी मिली है और जिस तरह से नांदेड़ का एक खुशी का माहौल है, और मैं सबसे पहले पार्टी का शुक्रिया अदा करता हूँ जिस तरह से आज विधानसभा का जो मेरे को उम्मीदवारी दी गई उत्तर से, और जिस तरह से कांग्रेस पार्टी के जिम्मेदारों ने मुझ पर विश्वास कर मेरे को उम्मीदवारी दी गई है। मैं सबसे पहले हमारे नेता सोनिया गांधी जी का और राहुल गांधी जी का और राष्ट्रीय अध्यक्ष हमारे मल्लिकार्जुन खड़गे साहब का और प्रदेश अध्यक्ष हमारे नाना वो पटोदे और जितने भी मेरे दोस्त हैं, मैं मसूद भाई शमी हमारे नगर सेवक ने जो हमके साथ दिए, सभी हमारे नगर सेवक मिलकर एकजुटी से हमने जो टिकट मांगी और लड़ने आने उसमें हमको कामयाबी किया, और मेरे जितने भी हमारे साथी है हमारे मोइज़ भाई बोल लातूर के मोइज़ भाई और एम एम शेख साहब और अमित भैया देशमुख और जितने और हमारे यहाँ के खासदार के उम्मीदवार नासर हुसैन साहब और इमरान प्रतापगढ़ी जी और हमारे जो जिस तरह से हमारे उम्मीदवार इसके वीरेंद्र चौहान सिंह महेंद्र रविंद्र चौहान हमको जो मदद की और हमारे श्यामधर जी और जितने भी हमारे ओम प्रकाश पोखरना जी मेरे गुरु मानता हूँ मैं ओम प्रकाश पोखरना जी, हमारे गुरु की आज जीत हो गई कि आज शागिर्द उनके शागिर्द एक उम्मीदवारी मिली, और जिस तरह से मैं आवाम से शुक्र मानूँगा कि आवाम से अपील भी करूँगा कि जिस तरह से आज उम्मीदवारी मिली है आप लोगों का भी उसमें तामून होना चाहिए, सब मिलकर इस सीट को कामयाबी बनेंगे ऐसी उम्मीद रखता हूँ कि शोर शराब से नहीं, जज्बात से नहीं, दिमाग से काम कर अल्लाह से दुआ कर हम अपनी जीत अल्लाह के फजल से कामयाबी मिलेगी। फिर एक बार मैं सभी हमारे कांग्रेस के पदाधिकारियों के बड़े जिम्मेदारों का उनका तहे दिल से मैं उनका धन्यवाद करता हूँ, और हमारे यहाँ के जो हमारे जिला अध्यक्ष बिहार कदम हनुमंत पाटिल राष्ट्रवादी के हमारे नेता जिस तरह से कमल किशोर कदम जी सुनील कदम जी भगवान राव अलीगोकर और मैं खास कर मैं उद्धव ठाकरे साहब का मैं तहे दिल से उनका शुक्रिया अदा करता हूँ उद्धव ठाकरे साहब का, क्योंकि महाविकास आघाड़ी के उद्धव ठाकरे साहब ने दिल बड़ा कर मैं जो इनकी सीट थी ये सेना की सीट थी और सेना ने हमको दिल बड़ा कर ये सीट मेरे को दी गई, खास करके मुस्लिम को उम्मीदवारी दी गई। मैं उद्धव ठाकरे साहब का तहे दिल से उनका शुक्रिया अदा करता हूँ क्योंकि आज महाविकास आघाड़ी ने जो हमको उम्मीदवारी दी, और मैं हमारे आवाम से अपील करता हूँ कि महाविकास आघाड़ी को आप लोग का कार्य करी है और आने वाले वक्त में हम आपके दुख सुख में बिल्कुल शामिल रहिए। फिर एक बार मैं सभी आवाम का शुक्रिया अदा करता हूँ कि नांदेड़ में 40 साल के बाद मुस्लिम कम्युनिटी को आज टिकट मिला है। सही देखे तो ये बहुत दिन पहले ही मुस्लिम कम्युनिटी को लीडरशिप मिलना चाहिए थी, लेकिन हमारे सभी टीम, फिर सत्तार भाई हो, मसूद भाई हो, शमीम भाई हो और बाकी सभी टीम बहुत कोशिश करते रहे हम, लेकिन आज तक हमें न्याय मिला नहीं। आज हमारे कांग्रेस पार्टी के नेता राहुल जी, खड़गे साहब, हमारे पटोले साहब और विशेष करके चनीथला साहब, इन सभी ने मिलकर आज मुस्लिम समाज को न्याय देने की कोशिश करी है। हम सब मिलकर सत्तार भाई को अच्छे से अच्छे वोट से चुन कर लाएंगे, और आज मुस्लिम समाज के लिए विशेष अभी तक जो कोई नेता हुए उन्होंने हमको मुस्लिम समाज को कोई प्रकार की लीडरशिप देने की कोशिश की, लेकिन वो दे नहीं सके। आज हमारे लिए बहुत खुशी की बात है कि हमारे मित्र सत्तार भाई आज विधानसभा का टिकट लेकर आज जंग में उतरे हैं। हमारे सभी के साथ उनको सभी ने आज से 20 दिन मेहनत कर ज़्यादा से ज़्यादा वोट चुनकर लाना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है, और बहुत खुशी की बात है कि आज हमारे समाज को विशेषकर हिंदू और मुस्लिम एकता का ये प्रतीक है कि नांदेड़ में शिवसेना की ओर से विशेष ये समर्थन हमको मिला।
आज राष्ट्रवादी के तरफ से समर्थन हमको मिला और विशेष करके कांग्रेस कार्यकर्ताओं के लिए खुशी की बात है कि नांदेड़ में हमें एक प्रतिनिधि मिलने की आज कोशिश पार्टी ने की है, उनके बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। नहीं ठीक है, उस बात पर हम बोलेंगे नहीं, लेकिन हमको आज न्याय मिला इसकी खुशी है, आज इस खुशी में और कोई बात करने की जरूरत नहीं, धन्यवाद। आज हमारे दोस्त अब्दुल सत्तार साहब को कांग्रेस पार्टी की तरफ से टिकट मिला, इसलिए मैं पूरे नेताओं का शुक्रिया अदा करता हूँ, राहुल गांधी का, सोनिया गांधी का, खड़गे साहब का और नाना पटोले साहब का, जतिन तलैया का, सबका शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने सत्ता भाई को टिकट दिया है और हमारा का अब फर्ज बन गया है कि सब एक हो के सत्ता भाई को भारी अक्सर से चुन के रहेंगे। इसलिए मैं सबसे अपील करता हूँ कि सत्ता में सब में ज़्यादा लीड पे आएंगे और ये कहते मैं अपने जो खत्म करता हूँ।